हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी कुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास टू का चैप्टर वन पढ़ेंगे। चैप्टर वन में जो स्टोरी है वो है हल्दीज एडवेंचर। ओके बच्चों, आज हम लोग हल्दीज एडवेंचर स्टोरी को पढ़ेंगे। ये जो कहानी है, इस कहानी में हल्दी नाम की एक छोटी सी बच्ची और एक जिराफ जिसका नाम इस्माइल रहता है, इसकी स्टोरी है। ओके, जिराफ आपने देखा होगा, बहुत ऊंचा जानवर होता है, इसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है। ओके बच्चों, तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ओके, हम लोग इसको पहले रीड करेंगे, उसके बाद हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग इसका देखने वाले हैं, इसलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और एक बात कि अगर आपने अभी तक बीएसजी कुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको देखिए रेड कलर का बटन मिलेगा जिसपे लिखा रहेगा सब्सक्राइब, उस पर आपको प्रेस करना है। फिर आपको वहां पर एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक कर देना है। ऑल पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि इस चैनल पर आपके लिए मैं जो कुछ भी जो भी वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे बच्चों तो इस चैनल पर मैं आपके लिए जो भी वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, यानी उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. The giraffe wore big glasses and held a book in his hand. He smiled and said, "Good morning, Haldi." Meaning देख लेते हैं। Walk मतलब होता है चलना, okay? Met मतलब मिलना। ओके, मिट मतलब मिलना होता है, ये उसका पास्ट फॉर्म है, मिट यानी कि मिला। वर मतलब होता है पहना, वेयर होता है ना वेयर, उसका ये पास्ट फॉर्म है वर यानी कि पहना। ग्लासेस मतलब होता है चश्मा। आप यहां पर फोटो में देख सकते हैं, देखिए ये जिराफ जो है ना चश्मा पहन रखा है, इसे ग्लासेस कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। ओके, देखिए, वन मॉर्निंग एज हल्दी वॉक्ड टू स्कूल शी मेट अ जिराफ। एक दिन सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो वह एक जिराफ से मिली। ओके, देखिए यहां लिखा है ना कि वॉक, वॉक मतलब चलना होता है, तो वह पैदल चलकर स्कूल जा रही थी। ओके, तो यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा कि एक दिन सुबह जब हल्दी स्कूल जा रही थी तो वह एक जिराफ से मिली। ओके, द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड। जिराफ एक बड़ा सा चश्मा पहन रखा था, बिग मतलब बड़ा होता है, ठीक है, बिग ग्लासेस यानी कि बड़ा चश्मा। वह एक बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और अपने हाथ में, देखिए हैंड मतलब हाथ होता है, और अपने हाथ में बुक्स यानी कि किताब थाम रखा था। हेल्ड मतलब होता है पकड़ा, होल्ड होता है पकड़ना, उसका ये पास्ट फॉर्म है बच्चों के, हेल्ड यानी कि थाम रखा था, थामना या फिर पकड़ना। यानी कि जिराफ जो है ना वह बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और अपने हाथ में किताब थाम रखा था। यहां फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है। ही स्माइल्ड एंड सेड, वह मुस्कुराया और कहा, गुड मॉर्निंग हल्दी। ओके, उसने हल्दी से कहा गुड मॉर्निंग हल्दी। आगे देखिए, हल्दी लुक्ड अप एट हिम। देखिए लुक्ड अप, लुक मतलब देखना होता है, अप मतलब ऊपर होता है, यानी कि हल्दी ने ऊपर की ओर देखा। देखिए ऊपर क्यों देखा, क्योंकि जिराफ बहुत लंबा बहुत ऊंचा जानवर होता है ना, उसकी गर्दन भी बहुत ऊंची होती है, हाँ, तो उसे देखने के लिए हल्दी को ऊपर की ओर देखना पड़ा, है ना, तो इसीलिए यहां पर लिखा है लुक्ड अप, यानी कि हल्दी ऊपर की ओर, यानी हल्दी उसकी ओर देखा, ठीक है, लुक्ड अप एट हिम, यानी कि हल्दी ने ऊपर उसकी ओर देखा, आप कह सकते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी टू स्टेयर शी सेड, बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू। देखिए आगे कह रहा है कि आई एम सॉरी टू स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना,
ओके, यानी कि कोई चीज को आप जब लगातार देखते रहते हैं ना, एक टक होकर यानी कि टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, तो उसे स्टेयर कहा जाता है, यानी कि घूरना होता है। ओके बच्चों, यानी कि हल्दी करे कि आई एम सॉरी टू स्टेयर, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें घूर रही हूं, ठीक है, मुझे खेद है कि मैं तुम्हें घूर रही हूं, है ना। बट आई हैव नेवर मेट अ जिराफ लाइक यू, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। आई हैव नेवर मेट अ जिराफ, यानी कि मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से लाइक यू, यानी कि मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली, ठीक है। इसीलिए वह क्या कर रही थी, उसको स्टेयर कर रही थी, यानी कि घूर रही थी, है ना। जिराफ क्या था, जिराफ बड़ा सा चश्मा पहन रखा था और अपने हाथ में किताब थाम रखा था, यानी कि ये अजीब सा लग रहा था, इसीलिए वह उसको घूर रही थी। इसलिए उसने ये बात कही कि आई एम सॉरी टू स्टेयर, यानी कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें घूर रही हूं, है ना, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली। माई नेम इज स्माइली, सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा मेरा नाम स्माइली है। ओके, आगे देखिए बच्चों, when ever you see me you will smile. Haldi was surprised and happy too. Then she remembered. देखिए, when ever you see me, यानी कि जब कभी भी तुम मुझे देखोगी, when ever मतलब होता है जब कभी भी, यानी जब कभी भी तुम मुझे देखोगी you will smile, तुम मुस्कुराओगी। हाँ, जिराफ कहता है हल्दी से कि जब कभी भी तुम मुझे देखोगी तुम मुस्कुराओगी। हल्दी वाज सरप्राइज्ड, हल्दी आश्चर्यचकित थी, सरप्राइज होना मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है बच्चों। एंड हैप्पी टू, यानी कि हल्दी आश्चर्य थी और खुश भी थी, हैप्पी टू। देन शी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर मतलब होता है याद करना या फिर याद आना। देन शी रिमेम्बर्ड, यानी कि तब उसे याद आया, क्या याद आया, आगे देखिए, दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, यानी कि दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल, यानी कि उसको स्कूल के लिए देरी हो रही है, स्कूल के लिए वो लेट हो जाएगी, ठीक है। सो शी सेड टू द जिराफ, इसलिए उसने जिराफ से कहा, आई वुड लव टू टॉक टू यू बट आई मस्ट रश टू स्कूल और आई विल बी लेट, यानी कि वो कह रही है कि आई वुड लव टू टॉक टू यू, यानी कि मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट आई मस्ट रश टू स्कूल, लेकिन मुझे अभी जल्दी से स्कूल के लिए निकलना होगा। रश मतलब जल्दबाजी करना, ठीक है, जल्दी कोई काम करना उसे रश कहा जाता है, आगे बढ़ना, जल्दी से आगे बढ़ना, ठीक है। तो यानी कि हल्दी कह रही है जराब से कि मुझे तुमसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे पसंद है तुमसे बात करना, लेकिन मुझे स्कूल के लिए अभी जल्दी निकलना होगा, और आई विल बी लेट, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ओके, द जिराफ सेड, जिराफ ने कहा, नोट इफ यू राइड ऑन माई बैक, जिराफ कहता है कि नहीं अगर तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओगी, राइड मतलब होता है सवार होना, ठीक है, सवारी करना। इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक आई विल रन सो फास्ट दैट यू विल फील यू आर फ्लाइंग टू स्कूल, जिराफ कहता है कि इफ यू क्लाइंब ऑन माई बैक, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगी, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, अगर तुम मेरी पीठ पर चढ़ोगी, आई विल रन सो फास्ट That you will feel you are flying to school, यानी कि मैं इतनी तेज भागूंगा कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा, feel मतलब महसूस होना, कि तुम्हें ऐसा feel होगा, यानी कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम स्कूल उड़कर जा रही हो, flying मतलब उड़ना होता है, ठीक है। यानी कि जिराफ कह रहा है कि अगर तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओगी और मैं इतनी तेज भागूंगा कि तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम जो है स्कूल उड़कर जा रही हो। ओके, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, जिराफ आगे कहता है हल्दी से कि क्या तुम स्कूल हर रोज जाती हो, एवरी डे मतलब होता है हर रोज। ओके, यानी कि जिराफ कहता है कि क्या तुम स्कूल हर रोज जाती हो, आगे देखिए, यस सेड हल्दी, तब हल्दी ने कहा कि हाँ,
मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, है ना। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेनसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज। ऑन सैटरडेज आई प्ले गेम्स एट स्कूल। हल्दी कहती है कि हाँ मैं स्कूल हर रोज जाती हूँ, है ना। आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, यानी कि वो हल्दी ने जिराफ से ऐसा कहा कि मैं मंडे को, यानी कि सभी मंडे को जो है, मंडे यानी कि सोमवार होता है, ट्यूजडे मंगलवार, वेनसडे यानी कि बुधवार, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार होता है, और सैटरडे, सैटरडे मतलब शनिवार होता है। तो हल्दी कहती है जिराफ से कि मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को स्कूल जाती हूँ, और सैटरडे को मैं स्कूल में गेम खेलती हूँ, ठीक है। ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल, यानी मैं सैटरडे को यानी शनिवार को स्कूल में गेम खेलती हूँ। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, तब जिराफ उनसे कहता है कि तुम स्कूल में क्या करती हो। व्हाट डू यू डू इन स्कूल, यानी तुम स्कूल में क्या करती हो। जिराफ, ऐसा जिराफ ने हल्दी से पूछा। आई लर्न अबाउट द स्टार्स, द ट्रीज, द बर्ड्स एंड द एनिमल्स। तब हल्दी ने जिराफ से कहा कि आई लर्न अबाउट द स्टार्स, यानी कि मैं तारों के बारे में जानती हूँ, तारों के बारे में सीखती हूँ। लर्न मतलब होता है बच्चों सीखना, यानी कि हल्दी ने उनसे कहा कि मैं तारों के बारे में सीखती हूँ, पेड़ के बारे में सीखती हूँ, पक्षी के बारे में और जानवरों के बारे में मैं सीखती हूँ, यानी कि वहां पढ़ती हूँ, ठीक है। दैट इज गुड, सेड द जिराफ। तब जिराफ ने कहा कि यह तो अच्छी बात है, है ना। आई लव बुक्स टू, आगे जिराफ कहता है कि मुझे भी किताबें पसंद है। ओके, दे आर लॉट्स ऑफ फन, ये जो है ना वे बहुत मजेदार होते हैं। किताब की बात कर रहा है जिराफ की, वे बहुत मजेदार होते हैं, है ना। नाउ जंप ऑन माय बैक, आई विल टेक यू टू स्कूल। आगे जिराफ कहता है कि अब जल्दी से मेरी पीठ पर जंप कर जाओ, यानी कि कूद पड़ो, चढ़ जाओ, ठीक है। जंप यानी कि कूदना होता है। तो जिराफ हल्दी से कहता है कि नाउ जंप ऑन माय बैक, यानी कि अब मेरी पीठ पर कूद जाओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। ओके, हल्दी देन जंप्ड ऑन द जिराफ्स बैक, तब हल्दी ने जिराफ के पीठ पर सवार हो गया। देखिए, हल्दी देन जंप्ड ऑन द जिराफ्स बैक, जिराफ्स बैक मतलब जिराफ की पीठ। ओके बच्चों, यहां देखिए फोटो में आप देख पा रहे हैं ना किस तरह से जिराफ के पीठ पर सवार है हल्दी, है ना। देखिए यहाँ पे तो हल्दी क्या क्या, हल्दी जिराफ की पीठ पर सवार हो गई। एंड फाउंड दैट शी कुड सी सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द टॉप, और जब वह जिराफ की पीठ पर सवार हो गई तो उसने पाया, फाउंड मतलब पाना होता है, यानी कि उसने पाया, उसने देखा कि जिराफ की, देखिए See so many things from the top, यानी कि वह उसके ऊपर से, यानी कि जिराफ के पीठ पर चढ़ गई ना वो, तो वह ऊपर से बहुत सारी चीज को, so many things यानी कि बहुत सारी चीज को वह क्या कर सकती है, देख सकती है। ओके, एंड बिफोर शी न्यू इट शी हैड रीच्ड द स्कूल प्लेग्राउंड, और इससे पहले कि वह इन सब चीजों के बारे में जान पाती, वह स्कूल के प्लेग्राउंड में, यानी कि स्कूल में जो खाली मैदान होता है ना खेलने, वो खेलने कूदने के लिए, तो उसे प्लेग्राउंड कहते हैं। यानी कि हल्दी, यानी कि देखिए हल्दी इस पर सवार हो गई और वह तेजी से भागने लगा, तो वह जो है ऊपर से, हल्दी जो है जिराफ के ऊपर से बहुत सारी चीज को देख पा रही थी। तो आगे यहाँ देखिए कि एंड बिफोर शी न्यू इट She had reached the school playground, यानी कि और इससे पहले कि वह इन सब चीजों के बारे में जान पाती, वह स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी। ओके, She climbed down, अब जब वह स्कूल के प्लेग्राउंड में पहुंच चुकी थी तो वहां क्या हुआ, वहां जिराफ के पीठ से नीचे उतरी। देखिए, She climbed down, climb up मतलब होता है चढ़ना और climb down मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है। She climbed down यानी कि वह नीचे उतरी। When she turned back to thank the giraffe, she found that he had gone away। आगे कह रही है कि When she turned back, यानी कि जब वह पीछे मुड़ी, turn back मतलब होता है पीछे मुड़ना। देखिए, वह पीछे क्यों मुड़ी थी,
वह पीछे जिराफ को थैंक यू कहने के लिए मुड़ी थी। देखिए, when she turned back to thank the giraffe, जब वह जिराफ को थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ी, she found that he had gone away, उसने देखा कि जिराफ वहां से जा चुका था। ओके, ओह, हल्दी थॉट, हल्दी ने सोचा, क्या सोचा? ओह, व्हाट अ वंडरफुल एडवेंचर आई हैव हैड, हल्दी ने सोचा कि कितना जोखिम भरा काम मैंने किया। ओके बच्चों, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होता है। स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे बच्चों। चलिए, आप देखिए, आप अगर इस क्वेश्चन आंसर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं अपने नोटबुक पर। ओके बच्चों, ताकि आपको इसे याद करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज हल्दी गोइंग, यानी कि हल्दी कहाँ जा रही थी। आंसर होगा, हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल, हल्दी स्कूल जा रही थी। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाई डिड हल्दी स्टेयर एट द जिराफ, हल्दी जिराफ को क्यों घूर रही थी। ओके, यानी कि देखिए, स्टेयर मतलब जो है घूरना होता है, मैंने कहा अभी आपको, तो हल्दी जिराफ को घूर कर क्यों देख रही थी, है ना। हल्दी आंसर में होगा, हल्दी स्टेयर एट द जिराफ बिकॉज द जिराफ वोर बिग ग्लासेस एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड एंड शी नेवर मेट अ जिराफ लाइक हिम। ओके, हल्दी जिराफ को इसलिए घूर कर देख रही थी क्योंकि जिराफ क्या था, जिराफ एक बड़ा सा चश्मा पहन रखा था, हाँ, और अपने हाथ में किताब थाम रखा था, और वह इससे पहले उस जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली थी, इसीलिए हल्दी उसको घूर कर देख रही थी। ओके बच्चों, इसका मीनिंग मैं आपको फिर से कर देता हूं, हल्दी स्टेयर्ड एट द जिराफ बिकॉज, हल्दी जो है जिराफ को घूर कर देख रही थी क्योंकि, द जिराफ वोर बिग ग्लासेस, क्योंकि जिराफ बड़ा सा चश्मा पहन रखा था, एंड हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड, और अपने हाथ में किताब थाम रखा था, एंड शी नेवर मेट अ जिराफ लाइक हिम, और वह उस जैसे जिराफ से कभी नहीं मिली थी, इसलिए वह जिराफ को घूर रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड शी रीच स्कूल, वह स्कूल कैसे पहुंची। अब अभी आपने स्टोरी में पढ़ा, वह स्कूल कैसे पहुंची, वह जिराफ की पीठ पर सवार होकर स्कूल पहुंची थी, है ना। यहां आंसर में देखिए, शी रीच्ड द स्कूल राइडिंग ऑन द जिराफ्स बैक, यानी कि वह जिराफ के पीठ पर सवार होकर स्कूल पहुंची। राइड मतलब होता है सवारी करना, मैंने अभी आपको बताया स्टोरी में, है ना, यानी कि वह जिराफ के पीठ पर, जिराफ्स बैक यानी कि जिराफ के पीठ पर सवार होकर स्कूल पहुंची थी। ओके बच्चों, आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे अगला वर्कशीट आपका है लेट्स टॉक। ओके, लेट्स टॉक में क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि देखिए, ये सेक्शन कुछ ऐसा है कि आप बच्चों का अलग अलग आंसर हुआ इसका, ठीक है। यहां कह रहा है कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल कैसे जाते हो, ये आप स्कूल कैसे जाते हो। तो आप जैसे भी स्कूल जाते हो, आप हो सकता है कि आप वैन में जाते हो, स्कूल बस में जाते हो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, या फिर आपके फादर के साथ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी सिस्टर है, या फिर ब्रदर है, हाँ, भाई है या फिर बहन है, तो उनके साथ आप जाते हैं स्कूल। तो आप अपने अंदाज में आंसर लिखेंगे इसका। ओके बच्चों, आप जिसके साथ भी स्कूल जाते हैं वो आंसर आपको यहां लिखना है, लेकिन मैंने आपके लिए आंसर दिया है यहां, आई गो टू स्कूल बाय स्कूल बस, यानी कि मैं स्कूल बस में जाती हूँ। ओके, मैं स्कूल बस में जाता हूं, या फिर आप यहां आप दे सकते हैं कि आई गो टू स्कूल विथ माय फादर, विथ माय ब्रदर, विथ माय सिस्टर। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू वेयर टू स्कूल, यानी कि आप स्कूल में क्या पहनते हो, है ना। सभी बच्चे स्कूल में क्या पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। तो आंसर यहां पे मैंने आपके लिए दिया है, आई वेयर स्कूल यूनिफॉर्म एट माई स्कूल, यानी कि मैं स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज
on your way to school. Talk about it. देखिए स्ट्रेंज मतलब होता है बच्चों, यहां देखिए ये वर्ड जो है ना स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब होता है अनोखा चीज, कोई अजीब सा चीज, कोई विचित्र चीज, यानी कि जो चीज आपने कभी देखा नहीं, ऐसा चीज आपको देखने मिल जाए तो उसे स्ट्रेंज कहते हैं, अनोखा अजीब सा। ठीक है, यहां आपको कह रहा है कि हैव यू एवर सीन एनीथिंग स्ट्रेंज, यानी कि क्या कभी आपने कोई अजीब सा चीज देखा है ऑन योर वे टू स्कूल, यानी कि स्कूल के रास्ते। कहने का अर्थ यह है कि क्या आपने कभी स्कूल जाते समय या फिर स्कूल के रास्ते कोई अजीब सा चीज देखा है? टॉक अबाउट इट, अगर देखा है तो उसके बारे में बात करें। ठीक है, आप में से जो है ना, हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है यहां पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक आंसर दिया है यहां पे। देखिए कि यस आई हैव सीन अ डॉग एंड अ कैट, हां मैंने एक कुत्ता और एक बिल्ली देखा है। ओके, यहां पे देखिए स्ट्रेंज कहा गया ना, तो स्ट्रेंज यानी कि कोई अजीब होना चाहिए, इसीलिए मैंने अजीब सा आंसर आपको देना है यहाँ पे। इसी तरह से मैंने आपके लिए एक अजीब सा आंसर बनाया है। देखिए अजीब सा आंसर क्या है कि यस मैंने एक कुत्ता और एक बिल्ली देखा है, बोथ वर गोइंग टू स्कूल वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म। देखिए दोनों स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जा रहे थे। ओके बच्चों, एंड दे वर Talking about the stars, and they were talking about the stars. और वे दोनों क्या कर रहे थे? वे दोनों तारों के बारे में बात कर रहे थे। Stars मतलब होता है तारा। Okay? बच्चों यहां पर आप अपने अंदाज में आंसर देंगे, अगर आपने कोई अजीब सा चीज देखा हो स्कूल के रास्ते पर, जैसा कि मान लीजिए कि आपने कोई बंदर देखा है, वो मोटरसाइकिल चलाता है, ऐसा बंदर खेल में दिखाया जाता है ना, तो बंदर टोपी पहन रखा है, या फिर बंदर नाच कर रहा है, या फिर बंदर मोटरसाइकिल चला रहा है, तो वो एक अजीब सा हो गया है ना, तो आपको उस अंदाज में आंसर देना है। ओके बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर अभी तक आपने बीएसजी कुमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।